यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आते ही नेताओं की ओर से एक से बढ़कर एक बयानबाजी होने लगी है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां जिन्ना से लेकर अब्बा जान, चचा जान तक के शब्दों का अपने भाषणों में धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं उनके मंत्री ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह भी दो कदम आगे जाते हुए मदरसों पर ही विवादित बयान दे डाला और कहा कि मदरसों में तो आतंकवादी निकलते हैं। चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। मदरसे जो है वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है। योगी सरकार में श्रम और सेवा योजन मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह ने मदरसों के खिलाफ विवादित बयानबाजी करके यूपी का सियासी माहौल गर्मा दिया है। दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह ने खुलेआम ऐलान किया है कि भगवान ने उन्हें मौका दिया तो पूरे देश के मदरसों को बंद कर देंगे, क्योंकि पूरे देश के मदरसों के अंदर आतंकवादियों के अड्डे हैं। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो है वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है सर्प की तरह, जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाए, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए और मदरसे में केवल 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 आतंकवादी पैदा होते हैं। एक चैनल से बात करते हुए योगी सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह ने अपनी बात साबित करने के लिए कुछ आतंकियों के नाम भी गिनाए। मैं आपको बताऊं, देखिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पानी निकला था कि नहीं, वो भी मदरसे से, जम्मू कश्मीर से पढ़ के आया था, यहीं का था, मैं तो और कहीं दूर कहां जाऊं। जिस भी मदरसे से जो पढ़े, जितने ISI के एजेंट और वो है, सारे मदरसे से निकले हुए। आज देखिए केरल में इस्लामिक बात चला रहे हैं, वहां पर हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है वहां पर। तो ऐसे टाइम में मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केरल की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन अविलंब लगा देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मदरसों के खिलाफ विवादित बयानबाजी करते ही मंत्री रघुराज प्रताप सिंह का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। पत्रकार अशरफ हुसैन ने बयान की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मदरसों को आतंकवादियों का अड्डा बताते ये यूपी सरकार के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह हैं। इस तरह के नफरती बयानबाजी करने से पहले इन्हें स्वयं मदरसों में जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या चल रहा है। अधिकतर मदरसे गरीब और यतीम बच्चों को मुफ्त दीनी और दुनियावी तालीम देते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। ट्विटर यूजर सृष्टि मिश्रा ने लिखा, मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं तो ये मदरसा बंद करने की बात कह रहे हैं। दुनिया से बुरे लोग निकलते हैं, दुनिया को तहस नहस कब कर रहे हैं आप। ट्विटर यूजर मुसादिक सईद ने लिखा, अगर हर मदरसे से एक आतंकवादी निकलता है तो 22,000 आतंकवादी होते हैं। थोड़ा सोचो काफिरो, कसाब के बारे में पता है, ऐसे अगर 22,000 हो जाएंगे तो क्या होगा। मेहरबानी करके मदरसे वाले को मजबूर ना करो, इज्जत से जी रहे हैं तो इज्जत से जीने दो। ट्विटर यूजर जमीर मुजावर ने लिखा, आतंकवादी मदरसे से नहीं निकलते, आतंकवादी तो तुम जैसे हिंदू लोगों के घर से निकलते हैं। अरबाज पठान नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, मंत्री जी 5 सालों से सो रहे थे, आज चुनाव नजदीक है तो याद आया यूपी के मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं और मंत्री जी 5 सालों से इसी राज्य के मंत्री भी हैं। गजब का लॉजिक है। ट्विटर यूजर मजहर यकीन ने भी योगी सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह के बयान पर लिखा, 7 साल से मदरसे चल रहे थे तो आतंकवाद का अड्डा नहीं था, जब चुनाव सर पर है तो मदरसा आतंकवाद का अड्डा बन गया, मुल्क शर्मसार होता है तो तुम जैसे पागलों के सोच से। योगी, मोदी, अमित जी, ऐसे पागलों को काला पानी भेजो।
ऐसे लोग मुल्क और समाज के लिए बहुत खतरनाक हैं। ट्विटर यूजर प्रशांत निगम ने लिखा, तो इसमें गलत क्या है? जब आपके लिए भगवा आतंक हो सकता है तो मदरसे में आतंकवादी क्यों नहीं? योगी सरकार के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह ने जब से मदरसों पर बयान दिया है उस पर इसी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हर कोई मंत्री रघुराज प्रताप के इस बयान को चुनाव से जोड़कर देख रहा है। वैसे आपको बता दें, इससे पहले भी मंत्री रघुराज प्रताप सिंह विवादित बयानबाजी के लिए चर्चाओं में रह चुके हैं। इससे पहले उन्होंने एएमयू के छात्रों को जिंदा गाड़ देने की बात कही थी, तो वहीं 10 फरवरी 2020 को उन्होंने केंद्र सरकार से बुर्के को बैन करने की मांग भी की थी, क्योंकि उनका मानना है कि बुर्के की वजह से आतंकवादी घुसपैठ करते हैं। चीन, श्रीलंका के अलावा विश्व के बहुत से गैर मुस्लिम राष्ट्रों में भी बुर्का बंद है। इसलिए मंत्री रघुराज प्रताप सिंह का मानना है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए बुर्का बैन करना पड़ेगा। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर योगी सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह ने फिलहाल जिस तरह से मदरसों को आतंकवादियों का अड्डा बताया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही आइए आपको सुनाते हैं सीएम योगी का वो भाषण जिसमें उन्होंने ओवैसी को सीधे चेतावनी दे दी थी। 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक भी राज्य सरकार अलग से उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। संकट का साथी कौन? भारतीय जनता पार्टी। कौन है संकट का साथी? जब भारतीय जनता पार्टी लोक कल्याणकारी कार्य कर रही है, विकास के बड़े बड़े कार्य कर रही है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना रही है, तो संकट का साथी जब भाजपा है तो वोट पाने का अधिकारी भी, और यही तो हमें कह के जाना है। भाइयों बहनों, प्रदेश में 2017 के पहले और तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। आज प्रदेश में दंगा नहीं, हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश आज किस दिशा में आगे बढ़ चुका है? अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। और आज प्रदेश में जनता इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ चुकी है कि हमें विकास और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश में अब दंगों के लिए नहीं, माफियाओं की सरपरस्त सरकार नहीं, माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार आज प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, ये एक विश्वास हर एक गांव में, हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक महिला को, हर एक बेटी और बहन को दिलाने की आवश्यकता है। और ये विश्वास दिलाने का काम बूथ अध्यक्ष के रूप में आपकी टोली अपने अपने बूथ पर कर सकती है। और यही तो कार्य 2014 में, 2017 में, 2019 में, यही तो विश्वास आप सभी बूथ अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र में करके दिखाया था। आज वही संकल्प लेने के लिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंत्र दिया था कि बूथ जीता तो चुनाव जीता,
क्या बूथ जीता तो, बूथ जीता तो, क्या आप सभी लोग तैयार हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने बोल रहे हैं आप, और गंगा का तटवर्ती क्षेत्र भी है, एक बहुत बड़े संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका, आप इतनी उत्साह के साथ यहां पर आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आए हैं, आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं, और आप सबको 2022 की इस लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ नेतृत्व के लिए आपका आह्वान करते हुए आप सबको अपनी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।